Hello and welcome to Yuvas. Let's begin today's class. First of all, passage. This passage very important और language section में सबसे important होता है passage comprehension में. तो आइए आज सबसे पहले हम लोग passage ही करेंगे. At the end of his first ovage, ovage को underline करके लिखेंगे. Ovage का मतलब होता है समुद्री यात्रा. At the end of his first voyage, अपनी प्रथम समुद्री यात्रा के अंत में, सिंधबाद decided to settle down at Baghdad. सिंधबाद ने निश्चय किया बगदाद में रहने का. And spent the rest of his life there, और अपना शेष जीवन वहाँ बिताने का. But soon he got tired of this kind of life, लेकिन इस प्रकार की जिंदगी से वह शीघ्र ही ऊब गया. He disliked laziness, उसने आलस को नापसंद किया, यानी कि वह आलस को नापसंद करता था. एंड विश्ड, और उसने इच्छा की टू बी डूइंग समथिंग ऑलवेज, और वह हमेशा कुछ करने की इच्छा रखता था. सो ही ज्वाइंट विद सेवरल अदर फ्रेंडली मर्चेंट्स, इसलिए वह कुछ अन्य जो उसके मित्रवत व्यापारी थे उनके साथ शामिल हो गया. एंड वेंट टू सी अ सेकेंड टाइम एंड वेंट टू सी और समंदर को देखने दूसरी बार गया. दे सेट सेल, याद रखिएगा एस ए आई एल, और इस सेल का अर्थ होता है समुद्री यात्रा. उन्होंने एक समुद्री यात्रा का निश्चय किया इन अ गुड शिप, एक अच्छी जहाज में. एंड सून रीच्ड एंड आइलैंड कम्प्लीटली कवर्ड विद मैनी काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज, और शीघ्र ही एक द्वीप में पहुँच गए जो पूर्ण रूप से फलदार वृक्षों से ढका हुआ था. वाइल, जब यानी उस दौरान, द अदर मर्चेंट्स वर अम्यूजिंग देमसेल्फ इन वेरियस वेज, जिस दौरान कई अन्य व्यापारी विभिन्न प्रकार से मनोरंजन कर रहे थे. सिंधबाद सेट डाउन अंडर अ ट्री, सिंधबाद नियर अ स्मॉल रिवर, उस एक छोटी सी नदी के नज़दीक एक वृक्ष के नीचे लेट गया टू टेक हिज फूड, अपना भोजन करने के लिए. ही मेड अ गुड मील, उसने जी भर के भोजन किया. एंड आफ्टरवर्ड्स, और तत्पश्चात फेल अस्लीप, निद्रा आ गई, सो गया. ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही हैड स्लेप्ट, उसे पता ही नहीं चला कि वह कितना लंबा सो गया. बट व्हेन ही वोक अप, और जब वह जगा, द शिप वाज नो लॉन्गर टू बी सीन, जहाज वहाँ दिखाई नहीं पड़ा. स्टोरी समझ में आई होगी. तो निश्चित तौर पर माय डियर, यदि 5 में आप 5 सही देते हो तो 100%, 5 में 4 सही करते हो तो 80%. आइए, ये रहा क्वेश्चन. व्हाट डिड सिंधबाद डिसाइड टू डू आफ्टर हिज फर्स्ट वॉयज, अपनी प्रथम यात्रा के बाद, समुद्री यात्रा के बाद सिंधबाद ने क्या निश्चय किया. He decided to go on a voyage. He decided to start a business with his friends. He decided to settle down at Baghdad. He decided to take rest. सभी साथी रिप्लाई करें कि उसने क्या निश्चय किया था. यहाँ पर आप बताने की कोशिश करिएगा. He decided to settle down at Baghdad. C option is the right answer. Next, why did Sindbad go on a second voyage? दूसरी समुद्री यात्रा में सिंधबाद क्यों गया. हिज फ्रेंड्स ऑप्शंस, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू गो ऑन अ वॉयज, ही वाज ईगर टू गो ऑन मैनी वॉयज, ही वांटेड टू सी मोर प्लेसेस, ही बिकेम टायर्ड ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड डिसलाइक्ड लेजीनेस. सभी साथी रिप्लाई करें कि यहाँ पर क्या आंसर होगा. डी इज द राइट आंसर. ही बिकेम टायर्ड ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड डिसलाइक्ड लेजीनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विद हुम डिड सिंधबाद ज्वाइन, किसके साथ में सिंधबाद गया. ऑप्शंस, सिंधबाद ज्वाइंड विद हिज कजिन्स, ही ज्वाइंड विद सेलर्स, ही ज्वाइंड विद फ्रेंडली मर्चेंट्स, ही ज्वाइंड विद हिज नेबर्स. सभी लोग रिप्लाई करें माय डियर. फ्रेंडली शब्द तो याद ही होगा. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, लास्ट में आपको जरूर बताना है और तुरंत अभी बताना कि कितने जवाब सही हैं 5 में से. सिंधबाद एंड हिज फ्रेंड्स रीच्ड एन आइलैंड व्हिच वाज फुल ऑप्शंस, फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, द हाइड आउट ऑफ पायरेट्स. पायरेट का अर्थ बताएं सभी साथी. PIRAT, सभी लोग अर्थ बताएं माय डियर. फुल ऑफ मैनी काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज,
नोन फॉर थिक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सही रिप्लाई क्या होगा, यहाँ पर सही रिप्लाई क्या होगा माई डियर, फुल ऑफ मैनी काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज, सी इज द राइट आंसर। पायरेट के दो मीनिंग होते हैं, पहला मतलब होता है समुद्री डकैत जो कि यहाँ पर है, और सेकंड मीनिंग होता है साहित्यिक चोर जो कि दूसरों की चोरी कर लेता है साहित्य की। लास्ट क्वेश्चन पैसेज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस, हिज फ्रेंड्स वेटेड टिल सिंधबाद वोक अप, नो, द मर्चेंट फ्रेंड्स वोक सिंधबाद अप बिफोर दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, सिंधबाद वॉज अनविलिंग टू लीव द आईलैंड, द शिप लेफ्ट इवन बिफोर सिंधबाद वोक अप फ्रॉम स्लीप। सभी लोग रिप्लाई करें, क्या सी होगा, सिंधबाद वॉज अनविलिंग टू लीव द आईलैंड, नो, यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। सही जवाब डी है, क्या डी इज़ द राइट आंसर, द शिप लेफ्ट इवन दो सिंधबाद वोक अप फ्रॉम स्लीप, यानी कि सिंधबाद जगा नहीं था और जहाज चला गया था, किसी ने बेचारे को जगाया भी नहीं था। तो बताइए 5 में से कितने सही हैं, यदि आपके 4 सही हैं तो आप 80% सही हैं, 3 सही हैं तो आप 60% सही हैं, और 5 आउट ऑफ 5 सही हैं यदि तो आप 100% सिक्योर किए हैं। आइए स्पॉटिंग एरर, ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, बहुत जानदार क्वेश्चन माई डियर लाया हूँ, यकीन मानिए आपको अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने साथी सही जवाब देते हैं, सभी लोग रिप्लाई करें माई डियर। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू मर्डर के स्थान पर मर्डरिंग होगा अर्थात वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। बहुत सीधा तरीका सीखो, अपान क्या है, अपान प्रेपोजिशन है, और माई डियर प्रेपोजिशन के बाद जिरंड आता है, और जिरंड बोले तो वर्ब में आईएनजी। सीधा रूल याद करो, तमाशा एकदम नहीं, एकदम यहाँ घुमा फिरा कर कोई बात नहीं होगी, सीधा रूल याद कर लो, 99% काम करेगा, कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जनरली वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसलिए अपॉन एक प्रेपोजिशन है तो टू नहीं आएगा, मर्डर नहीं आएगा, टू मर्डर के स्थान पर सीधा मर्डरिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया हो तो ठोको, वरना यूं ही ठहरे रहो। नेक्स्ट, यू विल सी द मैच टुमारो, इजंट इट, सही क्वेश्चन टैग पकड़ना है, और मुझे पता है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स खटाखट इसको जवाब दे रहे हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पर सही जवाब होगा ओंट यू क्वेश्चन टैग, और माय डियर क्वेश्चन टैग तो सबका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई मेड हिम टू अपोलोगाइज फॉर हिज रूडनेस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, बहुत ध्यान से देखो, मेड क्या है, कहोगे वर्ब है, तो मेड के बाद जब दूसरी वर्ब आए तो वह बेयर इन्फिनेटिव होती है, अर्थात टू नहीं आता। बड़े प्यार और सम्मान के साथ समझें सभी भैया बहन, जब मेड के बाद कोई वर्ब आती है तो वह बेयर इन्फिनेटिव के रूप में होती है। कुछ लोग कहेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या है, सबको समझाऊंगा माय डियर, बेयर का मतलब नग्न होता है, और देखो इन्फिनेटिव का कपड़ा क्या है, क्योंकि देखो कपड़े के पीछे तो दुनिया नग्न है ना, तो कपड़ा क्या है इन्फिनेटिव का, टू है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको बेयर करना है तो इसका क्लॉथ हटा दें, तो भैया हमने क्या किया, टू को रिमूव कर दिया, बचा क्या हुआ आपका फर्स्ट फॉर्म। तो जब कभी भी हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, तो वहाँ सीधी भाषा में कह दो भैया कि केवल वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आई मेड हिम अपोलोजाइज मैंने उससे माफ़ी मंगवाई फॉर हिज र्यूडनेस, उसकी अभद्रता के लिए, आई मेड हिम अपोलोजाइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फार्दर इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर माय डियर ये जो लिखा हुआ है क्या फार्दर, यह रॉन्ग है, फार्दर मतलब दूरी बताता है, यहाँ हम फर्दर लिखेंगे F U R T H E R, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
फार्दर के स्थान पर फर्दर होगा, फर्दर मतलब अतिरिक्त या अग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। हियर का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ हम लिख देंगे आई हैव हियर्ड, आई हैव हर्ड, है ना, मैं सुन चुका हूँ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब क्या कह रहा है, 11 से 15 के बीच थोड़ा जल्दी देख लो डायरेक्शन, फटाफट देखो सभी लोग, फटाफट पढ़ो क्या कह रहा है। एप्रोप्रिएट वर्ड कह रहा है, अच्छा जी, फिल इन द ब्लैंक। रवि वाज चार्ज्ड मर्डर अबाउट ऑफ फ्रॉम विद। सभी भैया बहन फटाफट रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करें माय डियर, सभी लोग रिप्लाई करें, सभी लोग रिप्लाई करें फटाफट। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ सबके जवाब। शाबाश, कुछ सही कुछ गलत। देखो जी, जिन्होंने चार्ज ऑफ लगाया वो सब गड़बड़ हो गए, है ना। सही जवाब होगा माय डियर चार्ज विद, क्या डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चार्ज विद का मतलब होता है आरोप लगाना। रवि वाज चार्ज विद मर्डर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्राई टू अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। अविल के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है। अविल मीन्स होता है फ़ायदा उठाना, तो सभी लोग लर्न कर लें कि अविल के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, गलती नहीं करना। नेक्स्ट, 13, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू हैव डन डिड डज। सभी लोग रिप्लाई करें, इसका तो बड़ा शानदार तरीका है माय डियर, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कैसे, देखो थैंक्ड, थैंक्ड क्या है, पास्ट टेंस है, तो नीचे प्रेजेंट नहीं लगेगा, पास्ट ही लगेगा। तो भाई ये डू गया, हैव गया, प्रेजेंट डज गया, और सही आंसर हो गया आपका डिड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्ट्राइक वाज, आप सभी लोग बताएं कि स्थगित करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब लगाओगे। और आज आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, और मैं देखूँगा कितने लोग पढ़ातू हैं, स्टूडियस हैं, भाई ये फ्रेजल वर्ब का अर्थ बताना है, कॉल एट, कॉल इन, कॉल ऑन, और मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, एक आंसर बता रहा हूँ, उसको सभी लोग नोट कर लें। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्या सी एकदम सही जवाब है। कॉल ऑफ का अर्थ होता है स्थगित करना, सभी लोग ध्यान देंगे, कोई यहाँ गड़बड़ी नहीं करेगा। नेक्स्ट, द कार कांट स्टार्ट बिकॉज द बैटरी हैज रन ओवर, रन अप, रन डाउन, रन इनटू। तो रन डाउन मीन्स होता है बैठ जाना या एकदम ख़राब हो जाना, तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, रन डाउन। नेक्स्ट, डायरेक्शंस 16 to 20, इन दीज क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। माय डियर अपोजिट बताना है, क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग रिप्लाई करें। वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। स्कैर्सिटी मीन्स कमी, ऑप्शंस प्लेंटी, अधिकता, फैमिलियरिटी, परिचय, डोमेस्टिसिटी घरेलूपन, प्रोमिस्क्यूटी संकीर्णता। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि भाई स्कैर्सिटी मीन्स कमी होता है, तो सही ऑप्शन क्या लगेगा। आप कहोगे अधिकता, यानी कि प्लेंटी इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट, प्रमोशन यानी कि क्या, पदोन्नति, ऑप्शंस एलिवेशन चढ़ाव, डिटेंशन कैद, भूलना नहीं, याद रखना इस बात को भाई, डिटेंशन का मतलब होता है कैद। नेक्स्ट, डी प्रमोशन या कोई वर्ड नहीं है, फालतू बना के लिखा गया। और डिमोशन मीन्स होता है पद अवनति। द करेक्ट आंसर इज डी, डिमोशन, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी, डिमोशन। नेक्स्ट, हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं माय डियर, बिल्कुल, और हम लोग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे।
नेक्स्ट एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च, ग्रीडी लालची, माइजरली कंजूस, लेविस धन उड़ाने वाला, केयरलेस लापरवाह। आज मैं आपको समझाता हूँ कि एक्स्ट्रावेगेंट और लेविस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। माय डियर, एक्स्ट्रावेगेंट एक नेगेटिव शब्द है, पैसा है नहीं लेकिन बेचारा धन उड़ा रहा है ना, सैलरी मिल रही है केवल 10,000 और गया और बीबी के लिए 5,000 की साड़ी लेके चला आया, तो उसे एक्स्ट्रावेगेंट कहा जाएगा। मकान मालिक का किराया दिया नहीं है। लेविस क्या है? ज़बरदस्त कमाई है, बीयू का पोस्ट मिला हुआ है, लगभग 1.5 लाख रुपये महीना आ जाता है, मिला जुला के। तो क्या है, बेटी की शादी होना है तो भाई 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उस व्यक्ति को हम एक्स्ट्रावेगेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा है और खर्च कर दिए तो उसे हम लेविस बोलते हैं। ये भी धन खूब खर्च करता है, लेकिन है तब करता है, और एक्स्ट्रावेगेंट है ना, घर में नहीं आता ना, अम्मा चली भुनाना, तो क्या मतलब एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या लगेगा माय डियर, अपोजिट बताना है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा माइजरली। नेक्स्ट 19, एम्बिगुअस द्विअर्थक या अस्पष्ट, प्रेसाइस सटीक, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इक्विवोकल द्विअर्थक, क्लियर अस्पष्ट। यहाँ एकदम सही आंसर होगा आपका क्लियर अस्पष्ट। देखो आप कहोगे कि प्रेसाइस क्यों नहीं होगा, तो प्रेसाइस का मतलब सटीक या उचित होता है, लेकिन एम्बिगस का मतलब अस्पष्ट होता है, इसलिए क्लियर का अर्थ स्पष्ट होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20, लोध घृणा करना, बहुत ध्यान से लिखते चलना जी, जो लोग चाहें लिख सकते हैं, प्रेज प्रशंसा करना, लव प्रेम करना, यूलगाइज स्तुति करना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, द करेक्ट आंसर इज बी लव। लोध का अपोजिट लव होगा। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कि अब आपको सिनोनिम बताना है, प्रुडेंट बुद्धिमान, कॉशस सावधान, ऑनेस्ट ईमानदार, वाइज बुद्धिमान, पोलाइट विनम्र, द करेक्ट आंसर इज वाइज। हाँ जी, कोशिश करते हैं हम कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन यदि ह्यूमन एरर अथवा किसी सोर्स के कारण कोई गलती हो जाती है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और हम अपनी गलती को कबूल करते हुए उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और सबसे ऊपर वो दिखाई पड़ेगा, यदि कोई मिस्टेक होती है तो बिल्कुल संकोच नहीं करना। नेक्स्ट, फीबल कमज़ोर, डिसएबल अयोग्य, फोर्सफुल शक्तिपूर्ण, डोसाइल विनम्र, वीक कमज़ोर, द करेक्ट ऑप्शन इज डी वीक, फीबल का वीक। नेक्स्ट, कोर्स खुरदरा, हॉटी घमंडी, चाइल्डिस बचकाना, फेयर अच्छा, रफ खुरदरा, द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए देखते हैं लास्ट टू क्वेश्चंस, कह रहा है ईडियम एंड फ्रेजेज। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये लास्ट टू क्वेश्चंस ईडियम के रूप में हैं। 24, आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय आई, आई वांट टू कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट के लिए एक वर्ड देखना है, ऑर्थोडोंटिस्ट दंत रोग विशेषज्ञ, आर्थोपेडिस्ट हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिशियन पेट रोग विशेषज्ञ, उदर रोग विशेषज्ञ। द करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ऑल्दो अनविलिंग टू डू सो ही केम टू द कंक्लूजन दैट नो अदर स्कीम इज प्रैक्टिकेबल, रिलक्टेंट, इनएडवर्टेंट, विलफुल, इनवॉलंटरी। आप सभी लोग यहाँ रिप्लाई करें, क्योंकि यह लास्ट क्वेश्चन है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये किसकी रचना है, हुज वर्क इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, यहाँ पर सही आंसर है ए, रिलक्टेंट अनिच्छुक। अनविलिंग टू डू का मतलब है अनिच्छुक, यानी कि रिलक्टेंट। जितने भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं उनको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, क्लास देखते रहिए,
और देखिए कल रीना सिंह जी ने कहा कि सर हम डेली आपका स्टेटस में लगाएंगे, यकीन मानिए दिल को सुकून मिला। हिम्मत रखिए, बस कुछ मत पढ़िए जो मैं कह रहा हूँ, उतनी आप तैयारी करते रहो, इन क्वेश्चंस को ऐसा तैयार करो कि भूले ना, सिलेक्शन पक्का होगा। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।